स्वागत। ट्रेड यूनियन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन रो प्रभाव एवं रणहुंकार जो भाव में आसी गत तीन मास तलु सूचना थिला भारत बंद रो डाकरा दिया जाय थिला एवं दुई दिन रो डाकरा जदि आज प्रथम दिन में प्रथम पर्याय कथा कहिबा सकाळु विभिन्न स्थान रो चित्र आमे आपनकु देखैछु। रेल रो करा जाय छि रेल स्टेशन रे कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर एवं अन्यान्य सबु स्टेशन रे रेल स्टेशन रे रेल गुडी को अटका जाय छि। यात्री माने अनेक हैरान हरकत हेउछन्ती। आपन माने वर्तमान जो चित्र देखुछन्ती पांचोटी शहर रो चित्र ब्रह्मपुर पुरी भुवनेश्वर कटक पारादीप विभिन्न स्थान रे रेल रोक करा जायछि। यात्रीवाही बस गुड़िक अटकी रही बस स्टाण्ड में आम कि समय पूर्व आपको बादामबाड़ी कटक चित्र देखा पूरा सुनसान पूरा खाँ खाँ एवं बरमुंडार चित्र देखा जो यात्री अटकी रही घर को जापार अनेक स्थान में प्रभावित होती लोक मैंने किंतु किसी समर्थक किसी प्रतिक्रिया भी आसू कि बंद प्रभाव सफल हो सहित बंद जो मैंने करी समर्थन कर नवेश अच्छा कटक बादामबाड़ी में जहाँ पूर्व सूचना देखुले चित्र देखुले पुणि थे फेर पाखक नवेश जो चित्र देखुले आपड़ जहाँ आम आलोचना करुले कां भा भुवनेश्वर जहाँ आम सूचना देखु कां भा के जलखिया दुकान खोला अच्छी लोक मैंने जा नौ व्यवहार्य जिनस कितु कटक कथ जहाँ आपंट कौटि भी दुकान खोला ना कमी रही स्थित और जत्री मैंने खासकर जो कह रेलवे स्टेशन में बस स्टाण्ड में हैरान हरकत हो स्वाति यदि आम दुकान बजार कथ कह केवल मेडिसिन स्टोर छाड़देले बाकी किसी दुकान भी कोर्ट खोला रोना जदि आम बादामबाड़ी बस स्टाण कथ कह पाखापाखि 70 ऊर्ध छोट बड़ दुकान रही है और जलखिया दुकान और अन्य छोट बड़ दुकान रही है जोटि की लोक मैंने किसी किणाकिणी करें किसी आटलिस्ट बिस्कुट गोटे खाई कितु ता खोला ना उपवास रही लोक मूँ रही पड़ी आम सहित जो जी अच्छा जाजपुर जावाक आते गुरुतर काम थी आज्ञा और सका बाहर केमी पहुँचे चिंता कर पहुँचा तो किसी ऑप्शन नहीं कि पेट्रोल टैंकी बंद अच्छी बस बाइक रे भी जाई परबे बाइक रे भी जाई होबो नहीं जो ताकि फर्स्ट टाइम जो टेरिफिक सिचुएशन बादामबाड़ी दृश्य जहाँ देखु जो मैंने एमती केबी भी है नथला जहाँ भी कह बंद को समर्थन अच्छी लोक मान बहुत आपड़ के समर्थन कर मोर तो मानते जनसाधारण तो जेनराली हरियाण हो मानने बहुत वे रु बंद अच्छी बर्तमान शुणुले लोक मान प्रतिक्रिया जदि आम पुणी बादामबाड़ी तो कथ कह जमी जात्री कहते एभली देखी ना बादामबाड़ी चित्र के चित्र यही चित्र आसंता का भी एमती स्वाति बजाय रही है क्या आसंता का भी एमती धर्मघट अच्छी एमती बंद पड़ा आसंता आसंता कामती आज भाई आसंता का हजार हजार लोके लक्ष लक्ष लोके हरण हे तेज जहाँ जमापड़ी लोक मैंने जेहेतु बंद डाकरा दिगला आसंता का लोक मैंने आसंता का घर बाहर ना यही प्लान्रेन अच्छा अति जरूरी कम न लोक घर बाहर आम कहीपर एक प्रकार उपयुक्त मणुना नवेश आ गोटे कथा जो चित्र आप सका भी देखते दर्शकों खबर देउछे किंतु जो यात्री माने आसी पहुंची रेलवे स्टेशन रे कटक रे आपण देखुले से यात्री माने जेतेबेल तांको गंतव्य स्थल को जाई पारु नांती किछि व्यवस्था संध्या बेळ को किंबा अपराह्न को हेबार संभावना अछि कि किछि बस गड़िबार संभावना अछि कि देखु अपराह्नरे जदि कहिबा प्रथम आम जदि स्टेशन कथा कहिबा अनेक एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन विभिन्न स्थान अटकी रही है और ट्रेन लाइन गुड़िक बर्तमान जाम रही बारटा पर ठारु जहाँ पूर्वानुमान कराऊँगी ट्रेन गुड़िकर जातायात तो स्वाभाविक ना गोटे गोटे ट्रेन निज निज गंतव्यस्थल में पहुँचा आरंभ हो ता पुणी 4-5 घंटा विलंबरे और जब यही हिसाब से देखा जाए हजार हजार ट्रेन विभिन्न स्टेशन अटकी रही से स्ट्राइक एक प्रकार नर्माल है अपराह्न मध्यान पर निज निजर गंतव्यस्थल को बाहर तेणु ट्रेन लाइन बहुत जाम रेणु 7-8 घंटा डिले रही बेसि वृद्धि पाव 10-12 घंटार डिले हे यदि बस स्टाण कथ कह बस जेहतु चलूना और नाइट कोच बस उपर समस्त निर्भर करमी जी कथल से आशा करे नुआपड़ा जीव किए केन्द्रापड़ा जीव नाइट कोच बस से एकम्र भरोसा तेणु नाइट कोच बस भी रात्रि चलो बस यात्री मैंने अनेक हैरान हरकत होती बहुत बहुत धन्यवाद नवेश वर्तमान समस्त चित्र समस्त आलोचना अनेक बड़ खबर को चाषी स्वार्थ पर जोरदार फाइट कृषकों केन्द्र अणदेखा प्रतवाद में आज नुआ दिल्ली में विक्षोभ करुछि बीजेडी तालकटरा स्टेडियम रे बीजेडी आयोजन करिछि कृषक समावेश दिल्ली में रही दलर मंत्री नेता और कर्मी समावेश उद्बोधन देवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक धानर एमएसपी 2930 टंका वृद्धि करने को दावी करुछि बीजेडी सेपरि आज राष्ट्रपति भेटी चाषी स्वार्थ संबलित स्मारक पत्र प्रदान करिबे मुख्यमंत्री।
अधिक सूचना देवाई आलोचना करने आम सहित अच्छा प्रतिनिधि लिपिका महंत। लिपिका बर्तमान नुआदिल्ली में विक्षोभ कर बीजेडी तरफ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे उद्बोधन देवे केमी देखुं स्थिति किए किए सब उपस्थित है निश्चित भाव स्वाति जो जिला बीजेडी पक्षर जो आयोजित कृषक अधिकार सभा समावेश आरंभ हो जाए मुख्यमंत्री कि समय मध्य पहुंचे ओडिशा तमाम नेता विधायक सांसद नेता कृषक प्रतिनिधि समस्ते उपस्थित अच्छा गोटे प्रक्रिया जमी ओडिशा रही तीरिश्टी जिलार समस्त कृषक प्रतिनिधि नेता विधायक सांसद समस्ते उपस्थित अच्छा सभा दिन एगारटा आरंभ हो जाए आरंभ हो देखिपे कैमरामैन को कहि दृश्य देखा जो भाई भाव मंच में समस्ते अतिथि पहुंची जाते समस्ते उपस्थित अच्छा जो भाई भाव माहौल देखा मिलूचे मो कैमरामैन को देखा चाहिए कि से जो भाई भाव तीस टी जिलूर कृषक प्रतिनिधि एवं कर्मी एवं चाषी मैंने उपस्थित अच्छा समस्ते निजे उत्साहित सहित समस्त उपस्थित अच्छा निजर दाबी हक ने उपस्थित होती जो केन्द्र सरकार को 2000 मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नुआदिल्ली पहुंचा पर ही केन्द्र सरकार को टार्गेट करने आरंभ कर देते टार्गेट करवा अनुजाई 2014 मसीह जो इलेक्शन थिला केन्द्र सरकार ओडिशा आसते जेहेतु ओडिशा रे अधिक धान उत्पादन होान सर्वनिम्न सहायक मूल्य को वृद्धि करा किंतु एपर्यंत केन्द्र सरकार कार्य परिणत होना सांसद विधायक नेता मंत्री मुख्यमंत्री समय मध्य पहुंचे आम सहित आलोचना करने प्रशांत नंद अच्छा आसतु आलोचना करने सहित सीधा सड़क आलोचना करने सर कौन कहे आप आज बीजेडी तरफ कृषक प्रतिनिधि कृषक अधिकार जो हूँ समावेश हूँ कि देखुं के सफल हम आप भाव ये हूँ चाषी डाक चाषी हक ताकि आज पल्ली छुट्टी आठ दिल्ली को समावेश कर निजर हक मगुच्च प्रधानमंत्री समय देना चाषी मानी हेले चाषी मैंने से दिल्ली आकर हक मागवा को एवं प्रधानमंत्री कान में हक को पहुंचे कौन भावुं जेहेतु बीजेडी नुआ दिल्ली प्रतिवाद सभा करुची तो केन्द्र सरकार को ऊपर यार प्रभाव केते पड़ी प्रेशर केते रहिबो तांको पाई बोली भावुं निश्चित भाव प्रस्ताव प्रभाव पड़ो जोबले एत लोक ओडिशा आसी हक मगुचं दिल्ली छाती उपरे तार प्रभाव पड़ो ना बोले केमी भावुं सर आप जहाँ कहते प्रभाव पड़ो केन्द्र सरकार पक्ष सहित अच्छा आज जन नेता सहित आसत आलोचना करने जो कृषक प्रतिवाद समावेश जो चली कृषकों पर कौन कहे आप प्रतिक्रिया कौन आमर ये लड़ई आगामी दिन निर्णायक लड़ई हम 2019 मसीहा है एक सिद्धांत वर्ष ये सिद्धांत कृषक अधिकार सिद्धांत सहित मिसी आसी चारोटी राज्य में प्रत्याख्यात हो सारे एवं आगामी दिन में ओडिशा प्रत्याख्यात हम कौन से सूर्योदय कि पूर्वोदय हम ना से नवीन उदय कार्यक्रम कर कारण कालिया योजना जरिया सर्वोत्कृष्ट कृषक मानक आम देचु विकल्प आम सरकार ग्रहण करूँ केंद्र सरकार एवं सहित आम मिनिमम बेंच मार्क जोटा एग्रीड मान बिटवीन ऑल दि पार्टीज सर्वदलीय 2930 टंका ताकु एक्सेप्ट करूँ ताकु ग्रहण करूँ एवं आमर मिनिमम सपोर्ट प्राइस न बढ़े ये लड़ाई चली चलो तो निश्चित भाव जहाँ कहते हैं शुणुलू कि बीजेडी रो लड़ई जारी रेपर्यंत एमएसपी वृद्धि न कर केन्द्र सरकार बीजेडी रो दाबी न शुणी कृषकों कथा न शुणी सर आपड़ भाव देखुं नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में एनडीए सरकार सारा भारत वर्ष चाषी विरोधी सरकार स्वामीनाथन कमिटी रेकमेंडेशन जहाँ उपाय
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତାକୁ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତିନି ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲେ, ଚାରି ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ସମାଜର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 2930 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସ୍ୱାତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି MSP ବୃଦ୍ଧି କରିବାର, ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡିର ଦାବି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଦାସ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଜ୍ୟ ଦାବିକି ଆମେ ସଦାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁ, ସେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତୀତରେ ଉଠାଇଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ଠକ ଟାକିଦେଲୁ। ଆଜି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାରେ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ସମୟ। ଯେହେତୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ନେଇକରି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱାତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା, ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଉଛି ଆଜି, କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କି ଏଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ଦରବାରରେ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ, କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାତି, ଲିପିକା, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେତେବେଳେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାତି, 12:15 ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ। କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର, ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ବେଳକୁ 50 ଜଣିକିଆ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହିଛି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କୃଷି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଠାରେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତେବେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ସେଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ କୃଷକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ପାଇପାରିବେ, ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ହକ ଲଢେଇ ଲଢୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି। ସ୍ୱାତି, ଲିପିକା, ଏଠି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଏହି କୃଷକ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଚିବାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ, ତ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା କଥା 1750 ଟଙ୍କା, ସେଗୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 2930 ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା
निश्चित भाव स्वाति देखु आम समस्त प्रतिक्रिया ना कारण जो भाई भाव राज्य में विरोधी प्रतिवाद करान सर्वनिम्न सहायक मूल्य 1750 टाँग केन्द्र पक्ष बेले कि राज्य सरकार ये करना कि दिल्ली में कुंभीर कांदा करोधी पक्ष अभोग करोचना करवा आम सहित अच्छा किसी बजे तमाम नेता आस आलोचना करवा सर आप कौन कहे एटी बजे विरोधी अभियोग रोची कि जेहेतु केन्द्र सरकार 1750 टंका धान सर्वनिम्न सहायक मूल्य कर राज्य सरकार आप्रुव करना कि नुआ दिल्ली में आसी धान सर्वनिम्न सहायक मूल्य 29 दावी कर प्रतिक्रिया रखिए 29 टंका जो दर अच्छे यहाँ मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा रे विजु जनता दल कांग्रेस बीजेपी सर्वसम्मति क्रम एटा पास करथिले 2930 टंका दर स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट को जो 2014 वर्ष रे मान्यवर प्रधानमंत्री निर्वाचन समय रे घोषणा करथिले आमे सरकार को आसले स्वामीनाथन कमिशन दर चासी भाई मन को दिया जीवो सेटा मने पकाबर पाई सेटा दाबी पूरण करबा लागि आज उड़ीसा रो चासी भाई मैंने 10,000 रो उर्दो चासी भाई मैंने दिल्ली दे आसिकी पहुंची छन एवं तांकर डिमांड प्रधानमंत्री को सामने प्रस्ताव करबा लागि राष्ट्रपति को एही अमर दाबीटा मान्यवर मुख्यमंत्री 4.5 कोटी जन एकाठी होई छन दिल्ली रे पचारीबा पई एवं मुख्यमंत्री मध्य एनेई देवे स्मारक पत्र राष्ट्रपति को लिपिका परवर्ती पर्यायर आप सहित जोजोग वर्तमान पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिक्रिया नहीं थी गोटे पटे बीजेडी नुआ दिल्ली में कृषक समावेश करा दलर छामुआ नेता मंत्री विधायक समस्ते एकाठी होती एक बड़ समावेश तार चित्र देखुले एपटे किंतु बीजेडी को काउंटर करने कृषि प्रसंगे आज भुवनेश्वर सचिवालय घेरी बीजेपी बीजेडी को काउंटर पर सचिवालय घेरी बीजेपी राज्य में कृषकों विभिन्न समस्या नहीं बीजेपी कृषक मोर्चा पक्ष घेराव कर नवीन नवास को पशाक धमक बीजेपी नरेन्द्र मोदी 1750 एवं 1780 ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस 200 टंका एका थरे बढ़े किंतु ये मिलर मान सहित मजूत अनुराया कर मंडी खोलूना जदि भी जो मंडी खोलू से दंडी मारुचंती दंडी मारा सरकार ये लोक चाषी मिलर मान एजेंट चाषी 1100 टंका 1200 टंका बाहर प्रदेश चाषी आसी कि 1750 पा ना जदि जो मैंने पाँच से मेलर एजेंट डुप्लिकेट कार्ड नहीं पाँच धान मंडी सरकार की खोली नहीं 40 भाग धान मंडी खोला गला जो धान मंडी खोला जाठी आप 4 केजी 5 केजी कटिंग करके धान उठू बहुत जगह मंडी खोला चाषी धान उठूनी अंडर रेट चाषी धान बिक्री करशार विजु जनता दल सरकार नवीन पटनायक सब मंत्री लोक पलायन करती भूमिका नहीं बर्तमान डिसेम्बर सरिकी आप जानुरी हाँपी गला मंडी एपर्त संपूर्ण भाव में खोली ना जहां पुणा मंडी थी से सीमित नुआ मंडी आदो खोली ना नंबर टू है जोटा आम मोदी सरकार जोटा कि 250 टंका लेखाएं वृद्धि प्राप्त करके पार क्विंटाल जोटा 1750 टंका कर एवं तापर नवीन बाबू 100 टंका बोनस दबा कथा सी सोहेला बड़गड़ सोहेला निजे डिक्लेयर करते सी दबा तो दूर कथा 100 टंका बोनस किंतु 1750 टंका रे मध्य मंडी रे अभावी बिक्री होउची से खाली योजना करी आमर कृषक भाई मानंकु आमको ठकी चलचंती एवं आज आम 1100-1200 टंका रे आज्ञा आम धान बिक्री करचु बाध्य सहकार कौन पाई जे चाषी रो धान गुडा देबो कोठी चाषी पूरा अवहेलित आज्ञा चाषी पूरा सुशीत चाषी पूरा निष्पेषित चाषी अवस्था आउ नाई आज्ञा चाषी आत्महत्या करुची चाषी कौन सुविधा सुजोग ना बीजेडी प्रतिवाद करूनी बीजेडी आत्मरक्षा दिल्ली पड़े पिकनिक करने को मंडी खोलला ना अधा मंडी खोली ना बीजेडी एमएलए मान मुख्यमंत्री सूर्य पात्र मंडी दिने गले चाषी कांदुची मुंडे हाथ देकर
मोदी देइछन्ती 1750 से चासी बिकुची 1200। आपण सुनुथिले बीजेपी कृषक मोर्चांकर प्रतिक्रिया। गोटे पटे नुवा दिल्ली रे बीजेडी रो समावेश कृषक समावेश करा जाउछि। धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2850 टका करिबा पा 2830 टका करिया पई। अन्य पटे राज्य रे बीजेपी तरफ रु समावेश करा जाइछि। जे 1750 टका धार्य होइथिला ताहा मध्य चासी मानकु मिलुनी एवं चासी माने 1250 टका ठरु कम मूल्य दर रे धान बिक्री करुछन्ती। तो ए भितरे देखिबाकु बाकी रहला वर्तमान कोन निष्पत्ति निया जाउछि। तबे जो बडो खबर आजि देशर दुई दिनिया धर्मघट चली सका 6 धर्मघट आरंभ हो केन्द्र सरकार श्रमिक मारण नीति विरोध में देशर विभिन्न राज्य धर्मघट प्रभाव देखा मिली। आम राज्य कथा जी कह लगातार आपण देखे चलीछ दृश्य विभिन्न स्थान रेलरोक यात्री माने अनेक मात्रा रे हंतसंत होती जो माने दूर दूरांतर आसी निज गंतव्य स्थल को जापार नपटे बसस्टाण्रे भी सामान चित्र देखा मिली। ब्रह्मपुर अच्छा आम प्रतिनिधि शक्तिधर राजगुरु पाख जा शक्तिधर विभिन्न स्थान में जदि कह यात्री माने अनेक हैरान होती ब्रह्मपुर केमती प्रभाव वर्तमान सुधा देखुं कौन आस प्रतिक्रिया देखंतु स्वती वर्तमान आम अच्छा ब्रह्मपुर रेल स्टेशन स्थित आरएमएस अच्छा रेल मेल सर्विस जोटा अच्छी सही अच्छे आज जो विभिन्न श्रमिक संगठन केन्द्रीय श्रमिक संगठन डाकरा जो दि जाइए 48 घंटिया भारत बंद डाकरा से सामिल होती आरएमएस कर्मचारी संघ तो निहत भाव प्रथम थर पर देश में एत बड़ जो धर्मघट चलती से भितर सामिल होती आरएमएस कर्मचारी संघ दुईट संघ आज मिलित भाव संगठन जो धर्मघट सामिल होती संपूर्ण भाव रेल सेवा रेल डाक सेवा ठप हो जाए ताला पक वर्तमान कर्म स्ट्राइक दुई दिन पर्यंत रेल सेवा संपूर्ण भाव बंद रदियों से अनेक गुड़िया दाबी अच्छी दीर्घ वर्ष धरी केन्द्र सरकार नीति को विरोध कर दावी करते आंदोलन करते बर्तन चार्ट मुख्य दाबी को नहीं बर्तन आंदोलन ओल्लैंती आम तो अच्छा आरएमएस कर्मचारी संघ कर्मकर्ता भी अच्छा कौन कहे आप मुख्य दाबी कौन रही देखु बर्तमान केन्द्र सरकार जो टालटुल नीति चलती तार विपक्ष में आज समस्त आरएमएस यूनियन रो कर्मकर्ता एफएनपी और एनएफपी समस्ते आज एकजुट होती 1978 मसीहा पर आज वर्तमान दिजन जाक यूनियन दुईटा जाक यूनियन बंद कर ऑफिस ताला पकईछन जमिते आपण देखुछन वर्तमान 48 घंटा भारत बंद आज समस्त यूनियन आरएमएस हो पोस्टाल हो समस्त डाकरा देइछंती। मुख्यतः होची एनपीएस स्कीम को बंद कर सीसीएस पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवा खाली थी समस्त पद पदवी को भर्ती करवा सरकार जो प्राइवेटाइजेशन नीति चलती विरोध कर समस्त प्राइवेटाइजेशन को बंद कर सरकारी क्षेत्र सब कार्यक्रम करवा आउ आमर जो एमएससीपी वर्तमान होकर 5 प्रमोशन रही जो आम दाबी 7 CPC बा 7 पे कमिशन रिवाइज करवा आउ वर्तमान देखूँ जो प्रकार दरदाम वृद्धि चलती से फिटमेंट टेबुल आम मानक सैलरी जो मात्रा बढ़िया कथा से मात्रा बढ़ी ना ताकू विरोध कर आज 48 घंटिया आज आज एवं का दिन 48 घंटिया बंद डाकरा देती एफएनपीओ एवं एनएफपी आरएमएस यूनियन सो आज वर्तमान समस्त आम एकजुट होचु जे सब प्रकार जो टाळटुळ नीति सरकार होची जो प्रकार कार्य क्षेत्र रे आम मानक अधिक रु अधिक शोषण कर प्रथम थर पर डाकर दी जाए के चाप सृष्टि आप दाबी पूरण हो पार भाई भावु यह तो पब्लिक को अधिक मात्रा रे हरास कर पब्लिक सर्विस आमर ये पोस्टल डिपार्टमेंट अच्छी केवल पब्लिक सर्विस देवाई ये सर्विस ओरिएंटेड लो जनसाधारण बहुत हैरान हरकत होती बहुत जनसाधारण आसते ये स्पीड पोस्ट बुक करने जो द्वारा से चिठी पठे पारना मनी अर्डर भी आम पोस्ट अफिस से चौबीस घंटिया बुकिंग आमर ये काउंटर जोटा कि पूरा तो 24 घंटिया काम चलता तीनो सिफ्ट काम चलता बर्तन डाक सेवा बंद रेल डाक सेवा बंद निश्चित भाव यार किसी प्रभाव पड़ो निश्चय प्रभाव पड़ो आम भावु आमर ये जो आम स्ट्राइक करें सक्सेस होचु आउ दीर्घ 1978 मसीहा आम अफिस ताला पड़ ना जेहेतु आज दुईटा यूनियन ये संगठन लेकर स्ट्राइक करें भावु यही स्ट्राइकटा आम सक्सेस हबु दाबी नहीं डिविजनल सेक्रेटरी अच्छा दाबी नहीं पूर्व कभी आंदोलन होती ना जदि होता तार रिजल्ट कौन मिलता है बर्तन जो आप 48 घंटिया भारत बंद में सामिल होती किसी फल मिल ये डिविजन स्टार्ट रू के आम दुईटा यूनियन मिसिक के स्ट्राइक करेंगे आज आम दुईटा यूनियन मिसिक स्ट्राइक करूँ तो निश्चय ना किसी ना कि सरकार उपर तार इंपैक्ट पड़ो आमर जो वैकेंसी पोस्ट अच्छी से जिनस गुड़ाक आज पर्यटन फिलअप होनी आमर से बेसिक दाबी अच्छी जो चारि दफा ये निश्चय से सरकार मानवाप बाध्य मानव संबल अभाव दुई दिनिया धर्मघट आम आशा करवा बंद प्रभाव जो भाव में पड़ी सेमती फल मिलू बहुत धन्यवाद शक्तिधर वर्तमान समस्त चित्र देखे आपने देखुले ब्रह्मपुर चित्र बंद प्रभाव संपूर्ण भाव में गोटे प्रकार सफल है वर्तमान सुधा।
एबडे बीजेडी को गोटे पटे काउंटर करने को कृषि प्रसंगे आज भुवनेश्वर सचिवालय घेरी बीजेपी बीजेडी को काउंटर पर सचिवालय को घेरा जा राज्य में कृषकों विभिन्न समस्या नहीं बीजेपी कृषक मोर्चा पक्ष घेराव कर एथसत नवीन निवास को धसी पसैवा को उद्यम बीजेपी तरफ बर्तमान जो चित्र देखते बीजेपी कृषक मोर्चा बर्तमान आगे चली नवीन निवास को पसवा को गोटे पटे पूर्व धमक दिया जाइतिला एवं भुवनेश्वर सचिवालय मध्य घेरी बीजेपी कृषकों पर कृषकों हक लड़ा वर्तमान चित्र देखुंट आपण मैंने मनोज जेना अच्छा आम प्रतिनिधि पाख जा मनोज वर्तमान चित्र कौन देखुं आप ए प्रतिवाद रे सामिल होती राज्य विभिन्न स्थान आ बहुसंख्यक प्रतिवादकारी सामिल होती सीधा सड़क भाव से टारगेट कर राज्य सरकार को गोटे बड़े राज्य सरकार नुआ दिल्ली में प्रतिवाद करुवा बेले कृषक मान समस्या को लेकिन एपटे समातराल भाव बीजेपी प्रतिवाद करबद नेता एवं सामिल होती दलय विभिन्न नेता और कर्मी मैंने आसर कैंटीन से राज्य बीजेपी कार्यालय बाहरी आरबीआई छक पाक आसोटी से प्रतिवाद करेंगे राज्य रास्त बस रही मोटे मोटी भाव में आम कहीपर चाषी मान समस्या को नहीं चाषी मान दलय आभिमुख्य प्रति आकृष्ट करने विभिन्न दल प्रयास गोटे पटे बीजेपी आटे पटे बाबद आम सहित आलोचना करने बीजेपी नेता मैंने कौन कहे सुरम मैडम कौन कहे आपने प्रतिवाद को लेकिन आज चाषी कूल ओडार हताश होती नवीन सरकार रे कृषि भित्तभूमि सुधारिना जमी को जल माड़ना चाषी उत्पादित द्रव्य को उपयुक्त मूल्य सरकारी मूल्य 1750 टंका दिला मेले सरकार प्रशासन एवं बीजेपी मध्ये रास्ता ओलाइछि माने परवर्ती बुलेटिन रे पुनी थरे आपन सतो जोगाजोग करा जिवो एवं प्रतिक्रिया नेबा किंतु वर्तमान समय होईछि तेंकु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान रो चित्र देखेतिबारु आपन माने देखुतिले वर्तमान बीजेपी कृषक मोर्चा आगे चालीछि समय होती बुलेटिन को रखुचु पुणी थरे खबर जारी रहिबो अन्यान्य बुलेटिन रे किंतु वर्तमान समय होती बुलेटिन को रखुचु।